व्हाट्सएप पर लगातार फेक न्यूज के कारण बदनाम हो गया था। सरकार ने व्हाट्सएप को सख्त निर्देश दे दिए थे, लेकिन अभी भी फेक मैसेज रोकने में व्हाट्सएप नाकाम हो गया था। व्हाट्सएप ने भारत में लोगों को फर्जी खबरों के बारे में जागरूक करने के लिए टीवी कैंपेन जारी करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने कहा है कि यह निर्णय 2019 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फर्जी खबरों को व्हाट्सएप पर फैलने से रोकने के लिए लिया गया है। इससे पहले लोगों को फर्जी खबरों और अफवाहों के बारे में जागरूक करने के लिए कंपनी ने दो चरणों में रेडियो कैंपेन भी शुरू किए हैं। 29 अगस्त को शुरू हुए पहले चरण में कंपनी ने ऑल इंडिया रेडियो के 46 रेडियो स्टेशन पर अपना कैंपेन चलाया। इसके बाद 5 सितंबर से कंपनी ने एयर के 83 रेडियो स्टेशनों पर अपना कैंपेन चलाया। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसने भारत में अपने यूजर्स पर गहराई से अध्ययन किया और उसके आधार पर 3 टीवी विज्ञापन तैयार किए। कंपनी ने कहा कि तीनों विज्ञापन टेलीविजन, फेसबुक और यूट्यूब पर 9 भाषाओं में उपलब्ध होंगे तथा इनकी पहुंच सभी व्हाट्सएप यूजर तक होगी। इनका प्रसारण राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव से पहले ही शुरू हो जाएगा। ये विज्ञापन अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, असमिया, गुजराती, मराठी और मलयालम में भी उपलब्ध होंगे। टेक न्यूज रूम की रिपोर्ट।